और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। बाजीगर मैं बाजीगर, अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। तो सस्ती शायरी में आज किया है कि जब भी आप देते हो अपने टीममेट्स को रिवाइव, वो आपके लिए बजाते हैं तालियां। वाह 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 वाह। जब भी आप अपने टीममेट को देते हो रिवाइव, वो आपके लिए बजाते हैं तालियां। और जिसकी भी होती है 100 RP उसको पड़ती हैं ऑल पे गालियां। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। गाइस, में हमारा कालिया नीला कच्चा पहन के जा रहा था नोवो, मतलब कराची। पता है, मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है करांची, तो फिर मैं उसको ना तंग करता हूँ। मैंने उसका नाम ही सेव कर रखा है, रज़ा करांची। कज़न है मेरा, फिर मैं उसका नाम सेव कर रखा है रज़ा करांची करके ना। तो ऐसे बस माइंड में आया था, मैंने कहा आप लोग को बताऊं। तो कालिया नीला कच्चा पहन के जा रहा था नोवो, मतलब करांची। और लैंडिंग हमने बड़ी ख़राब लैंडिंग की। लेट मैंने इसलिए की थी गाइस कि मेरे को पता चले कहाँ कौन से बंदे आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2 स्क्वाड और 1 डुओ एक साथ उतर गए, तो इनके साथ बड़ा काम ख़राब होने वाला है। और बाबा जी, अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका तो ठोक दो लाइक बटन। 40,000 लाइक्स करेंगे आज भी हम। अभी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बट हाँ, जिस गेम प्ले में मुझे एकदम ज़्यादा मज़ा आएगा ना, कोई ऐसा औसम सा क्लच होगा, फिर हम अपने लाइक से हम इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे। बट तब तक 40,000 आप लोग कर देना। अब गाइस देखो, मिडिल कंटेनर कोई नहीं था, तो अब मैंने क्या फैसला किया, मैंने टीममेट्स को बोला भाई आप यही कंटेनर होल्ड करो, गनमैन ढूंढो, मैं जा रहा हूँ मिडिल कंटेनर, ताकि वहाँ पर कोई ना क्लोज इन ना कर दे। और ये देखो, सांप, कालिया सांप बन गया। मैं वो बस स्कोप छोटा कर रहा था और कालिया जो है सांप बन के ज़मीन पे अपना पिछवाड़ा हवा में करके आसमान की तरफ धूप सेक रहा था, पिछवाड़े पे धूप लगा रहा था। फिर गाइस हमें AKM मिल गई और M16 मिल गई, 4X भी था, 6X भी था, और मतलब इतनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट हो गई थी। बस मेरे पास हेलमेट नहीं था यहाँ पे, और इतने में मुझे हेलमेट मिल गया ऊपर से। और ये लोग ना आपस में, एक स्क्वाड घर चला गया था और दूसरा स्क्वाड ना कंटेनर पे था। तो फिर मैं अपने टीममेट को बोला भाई आ जाओ क्लोज इन के लिए, यहाँ पे बेचारा नॉक पड़ा था। हमने यहाँ पे उठा लिया इसका किल बाबा जी। और अब ये घरों वाले और फर्स्ट कंटेनर वाले फाइट ले रहे थे, तो हमने कर दिया क्लोज इन। हमने कहा बाबा जी जाएंगे आगे, देखा जाएगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। फिर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, जिंदगी खतरे में आ गई। मैं बोला जो भी भैया, कम क्लोजर, बंदे बहुत ज़्यादा हुई, कालिया विद नीला कच्चा टेंशन में हुई। बेचारा अच्छा वाला कवर में जा रहा था, वापस से आगे आ गया, ले आओ बैल मुझे मार, ऐसा वाला काम। फिर 2 नॉक किए गए मैंने, और आखिरी बंदे को मेरे टीममेट ने मार दिया, ये वाला स्क्वाड हो गया फिनिश। अब मैं मज़े से लूट कर रहा था, लेकिन इतने में भाई हमारे नंबर 4 को पड़ गई और नॉक एंड फिनिश वाला सीन हो गया। इनका तो गलत स्कैम हो गया, फिर हम लोगों ने किया उन पे रश, उसने मुझे देखा तो फ़ौरन से पीछे हो गया। ये गलत काम होता है जिस कभी ना किल्स के भुक्के होते हैं, नॉक करके सीधा फिनिश कर देते हैं हम। यहाँ पे एक नॉक दिया हमारे नंबर वन ने जब नॉक दिया, तो हमने एक नेट फेंका उसी जगह फ़ौरन से, और किल हो गया कन्फर्म। गैस जब भी आप एक नॉक दो ना, फ़ौरन से वहाँ पे एक नेट फेंक दिया करो। और फिर हमने किया ऊपर, रश ऊपर से साउंड आया था मुझे, तो बाबा जी हमें, हमने प्रोन होकर इन भैया के पिछवाड़े में गोली मारी, हमने भी फिर फिनिश किया, क्योंकि आप फिनिश करोगे बाबा जी तो हम भी फिनिश करेंगे। और गैस वैसे होता होगा ना, आप लोग देखो भाई हमारी लेवल 3 की वेस्ट गिर गई गलती से, क्योंकि मैंने ऑटो पिकअप ऑफ कर रखा है, और हमारी लेवल 3 की वेस्ट हाथ से जाते हुए एक बार चलेगी तो वापस तो आने नहीं वाली, आपको पता है। बट कोई बात नहीं बाबा जी, क्या कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर मज़े से लूट की। अच्छा गाइस, आप भी ऐसी करते हो क्या? मतलब आपका अगर कोई टीममेट फिनिश हो गया तो आप भी फ़ौरन से फिनिश करोगे? और समटाइम ना ऐसा होता था, जब मैं वो खेलता था ना, लाइक स्टार्टिंग में खेलता था ना, सोलो स्क्वाड खेल लेता था, आता बिल्कुल नहीं था गाइस खेलना, एकदम नूब था, अभी भी हूँ, बट उस टाइम कुछ ज़्यादा ही नूब था। तो वहाँ पर क्या होता था, लाइक मुझे पूरा स्क्वाड रश करता था ना, तो मैं कैंप करके बैठ जाता था, और एक बंदे को नॉक करना और पूरा फिनिश कर देना, और फिर उसका स्क्वाड मुझे मार देगा, और मैं खुश हो जाता था, तुम्हारा एक बंदा तो फिनिश किया, ये भाई जी। फिर हमारी मेहरान गड्डी उठा के आए थे पिंडी, और यहाँ पे मैंने देखा कि अपने पिंडी में, अपने पोचिंकी में एक रेड कलर की डार से घूम रही था। हमने दूर गाड़ी रोकने का फैसला किया, क्योंकि नहीं पता था कितने बंदे हैं, तो हम पीछे रुक गए, और वो गाड़ी रुकी थी गए स्नाइपर टावर में। वो देखो ऊपर बंदा भागा। अब मैं थोड़ा सा देखा कि कितने बंदे हैं, कालिया नीला कच्चा पहन के पिछवाड़ा आसमान की तरफ करके धूप लगवाते हुए देख रहा था कितने बंदे हैं। और जब एक ही बंदा स्पॉट हुआ, तो मैंने कहा भाई आ जाओ एक ही बंदा, चलते हैं। अपनी मेहरान गड्डी उठाई, लगाया 5वां गियर, और हम लोग जाएंगे रश करने के लिए बाबा जी।
बिना किसी टेंशन के देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। वो बंदा ऊपर से जम करके नीचे आ जाता था, मुझे लगा पहले दो बंदे हैं, बट देखो हमारा डैमेज, यहाँ भी हमारा डैमेज किल मिलेगा जूबी भैया को, हमारा जूबी भैया किल चुराते हो, बट कोई बात नहीं बाबा जी, क्या कर सकते हैं, मज़े से की इनकी लूट। दोबारा से अपनी मेहरान गड्डी उठाई गई और पिंडी पचिंकी के दरमियान से होते हुए यहाँ पर रोड पर लाशें पड़ी थी। एक टाइम था इस सिटी का इतना खौफ होता था ना गाइस, बहुत ज़्यादा लोग डरते थे पचिंकी के नाम से, बट अब कोई आने, अब लोगों ने आना छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे लूट ज़्यादा नहीं होती। बाबा जी उसके बाद हम आके सीधा स्कूल और यहाँ पे बंदे थे और यहाँ पे होगा हमारे साथ स्कैम क्योंकि एक बंदा ग्लिच यूज़ करके बैठा होगा। तो जैसे हम यहाँ पे लैंड हुए, आपने देखा कि राइट से बंदा भाग के आ रहा था, तो मैं लेफ्ट से अपने टीममेट्स को बोला जो क्लोज इन करते हैं, लेकिन एक हमारी टीममेट है उनके भाई हाथ से गलती से गोली चल गई। लाइक आपके स्क्वाड में कभी ऐसा होता है कि अगर आप अपने टीममेट को बोलो यार साउंड नहीं देना या गोली नहीं चलाना, और फिर वो गलती से टैप कर देगा और एनिमीज़ को बता देगा अपनी पोजीशन, हमारी पोजीशन, हमारे स्क्वाड में हमेशा ऐसे होता है, जब चुप करके निकल रहे होते हैं ना इनके हाथ से गोली चल जाती है। अभी भी ऐसे ही हुआ था और फिर हम आगे थोड़े से क्लोज, ऊपर छत पे बंदा था तो मैंने फैसले किया नेट करता हूँ ऊपर वाले पे, और ये नेट इतनी लेट फेंका ना, मुझे लगा था भाई ये नेट के साथ मैं ही फटने वाला हूँ। एक सेकंड था जब मैंने फेंका और ये भाई साहब के साथ स्कैम हो गया। गाइस यहाँ पे देखना एक बंदा ना गलती से मेरी गन के आगे आ जाएगा, देखना यहाँ पे मैं मार उसको रहा था जो टीपीपी ले रहा था और ये बंदा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के खुद खुद आगे आ गया। मैंने कहा लॉल भाई, नहीं भाई मारो मुझे, मारो मारो मारो, वो वाला सीन हो गया था गाइस, तो स्कैम हो गया था। और फिर एक बंदा इनका आखिर इनका टीपीपी ले रहा था, मैं घुस गया और बेचारे के टीममेट मर गए थे, तो डर के बैठा था बेचारा कोने में और फेस की किया हमने लूट। लेकिन ये जिसको नॉक करता ना गाइस, इसने पूरा फिनिश करना था। गैस नीचे से आ रहा होता साउंड में, हाथों को देखो गैस गन ग्लिच करके बैठा हुआ है। पहले मुझे लगा अंदर ही बैठा है, उसकी सिर्फ गन ग्लिच हो रही है, मुझे आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पे ग्लिच करके बैठा हुआ है मारने के लिए। और नेड किया बट वो पीछे हो चुका था, तो मैंने नेड कर दिया कैंसिल। और ये बंदे कर रहे थे ग्लिच, तो भाई ग्लिच जाना बड़ी गलत चीज़ है, अब हम इसको मारना लाइक मुश्किल था क्योंकि ग्लिच से ना हमें पहले नॉक कर देता और जिसको नॉक करता इसने फिनिश करना था। तो यहाँ से हमने M24 उठाई और फिर फैसला किया भाई जाते हैं वापस, अगर ग्लिच वाले से फाइट लेंगे ना तो अपना मतलब गेम प्ले नहीं बन पाएगा, हमारी क्रेट बनेगी उल्टा। तो हम आ गए अपनी मेहरान गड्डी की तरफ सबके सब और फैसला किया कि भाई इनसे अभी फाइट नहीं लेनी, ये ग्लिच वाले जो है ना ये रोला होते हैं बड़ा, इन्होंने हमारा कबाड़ा कर देना है। बैठे मेहरान गड्डी में, जैसे ही जाने लगे ना गाइस, जाते जाते मेरी नज़र पड़ेगी पीछे अपार्टमेंट में बगी खड़ी होगी गाइस, देखना वो खड़ी, देखो बिल्कुल पीछे वाले अपार्टमेंट में बगी देखी। तो मैं जूबी भैया को बोला, जूबी भैया देर इज़ बगी ऑन अपार्टमेंट, सो मोड़िंग गाड़ी एंड गोइंग टू द बगी, सो वी आर गेटिंग थोड़े थोड़े किल एंड बिकॉज जॉन हुइंग ऑन अपार्टमेंट, सो वी आर गोइंग ऑन अपार्टमेंट टू गेटिंग सम बंदे मारिंग किल। यस सस्ती इंग्लिश, ख़राब इंग्लिश विद एनोनिमस, बड़े दिनों बाद आई नो। तो बाबा जी उसके बाद हम आ गए अपार्टमेंट में ख़राब सी इंग्लिश के साथ, मेरी हेल्थ कम थी, हमने थोड़ी सी पेप्सी पी ली और पेप्सी पीने के बाद गाड़ी घंसों में छुपा दी ताकि किसी को नज़र ना आए, हमारी गाड़ी ख़राब ना हो जाए। और इसके बाद हम लोग भागेंगे, जब भी गाइस हम यहाँ पे आते हैं ना अपार्टमेंट में, हम लोग ये बड़ी वाली बिल्डिंग पे रुकते हैं क्योंकि ये सबसे हाइट पे होती है और इस पे लाइक रहना एडवांटेज होता है, सारी बिल्डिंग से का एंगल मिल रहा होता है इससे, तो हमें हमेशा यहीं पर रुकते हैं। फिर मैं नीचे आ गया था गाइस और अपार्टमेंट वाला पीक दे रहा था, कान के नीचे लगाया बकरा बनाया इनका पिछवाड़ा, हमने थोड़ा सा डिंगा कर दिया। और इसके बाद बाबा जी मैंने फैसला किया भाई इन पर रश करते हैं, बट हमारे टीममेट ने छत से मार्क किया कि इन्हीं के बंदे क्लोज आ गए रेड वाले घर में। तो अब नंबर वन ने दिया नॉक और मैं जा रहा था क्लोज इन करने और वो दोनों गाड़ी से करने आ रहे थे रश। वही टीम है जो गाइस ग्लिच करके बैठ रही थी, देर आए दुरुस्त आए। अब ये बंदा एम करके बैठा था, बाकी टीममेट्स पर मेरे इसको नहीं पता था मैं पैदल आ रहा हूँ बेचारे को, इसको नॉक किया। अब इनका एक ही बंदा बचा था गाइस ऊपर, और शायद बल्कि नहीं गाइस ये लोग अलग स्क्वाड थे, सॉरी, क्योंकि अब ये लोग ना मेरे नेट से ना यहाँ पे डायरेक्ट फिनिश हो जाएंगे। अब ये किल चुरा लिया गया था, स्कूल वाले अभी भी वहीं थे। तो ये कान के पास से गई होगी, वो आवाज़ आती है ना शुर, वो आई होगी। और ये दूसरी एक सज्जे खान के कान होता एक सज्जे कान के पास से गई और एक खब्बे कान के पास से गई, पर मेरी स्नाइपिंग की सेंसिटिविटी नहीं थी तो मैंने वो कर ली, कम कर ली ताकि मेरा स्कोप अच्छे से कंट्रोल हो सके। और इसके बाद बाबा जी हमारा था कि इन पे रश करते हैं, जैसे ही एक नॉक था ना उनका, तो जैसे हम रश करने के लिए निकले हमारे जूबी भैया को गोली पड़ी और इनकी ज़िंदगी खतरे में आ गई, फौरन से गाड़ी से उतर गए और ये हील करेंगे। मैं दोबारा से इनको बोला भाई मैं ट्राई करता हूँ M24 से नॉक करने का,
जैसे मैं नॉक दूंगा हम लोग दोबारा से इन पर रश करेंगे, तो हमारा प्लान सेम था एक नॉक करने का। अब देखो गाइस वो गन गली चोरी है कि इससे पता चल रहा है कि नॉक पड़ा हुआ है और बंदा ना रिवाइव दे रहा है, तो इससे हमें आइडिया हो गया था कि ये शायद दो ही बंदे हैं। फिर हमने एक नॉक दी, मैंने एक नॉक दी और फिर हम अपनी मेहरान का डीमन पे रश करने आ गए। और ये ग्लिच वाले बंदे यहाँ पे जाएंगे वापस लॉबी बाबा जी। तो बाबा जी फिर हम भागे ऐसे भूखों की तरह, जैसे वो शादी में खाना नहीं खुल जाता सबके सब भाग के लूट करने भाग जाते हैं, हमने वही काम किया यहाँ पे, भग के आए लूट की। और लूट करने के बाद बाबा जी हम दोबारा से बैठेंगे अपनी मेहरान गड्डी में और अब शुरू होगा। यस हमारी, मैं लाइक बैक टू बैक बोल रहा हूँ ना, 10 मिनट होगा तो हमारी जुबान थोड़ी थोड़ी ना लंगड़ा जाती है। शुरू हो गया, हम चलो शुरू ही बोलते हैं। हाँ, हमारा लास्ट सर्कल का नंगा नाच शुरू हो जाता है। और गाइस सबसे अच्छी लोकेशन थी स्क्वाड हाउस, एकदम मिडिल में था, तो पहले मैंने अपने टीममेट्स को बुलाया, हम स्नाइपर आओ रुकेंगे, स्क्वाड हाउस बंदे हुए तो हम पहले नॉक करेंगे और नॉक करने के बाद हम लोग करेंगे रश। जैसे हम लोग गुजर रहे थे यहाँ पे सामने से आज रेडार सिया मतलब मेहरान गड्डी, तो मैं अपनी मेहरान गड्डी रोकते हुए उनको देंगे स्प्रे। गाइस देखो मैं कितना ज़्यादा लो कर दिया था, पता नहीं नॉक क्यों नहीं हुए, मतलब नहीं मतलब हमारी गोलियाँ ना क्या प्लास्टिक की होती हैं क्या? और ये भाई साहब तो शायद ऑफलाइन खड़े हुए थे या इनकी मम्मी ने बोल दिया बेटा जा झाड़ू ला के दे या लाइक अंडे ला के दे आलू ला के दे ऐसा कुछ बोल दिया होगा, और फिर बेचारा वहीं पे बोल रहा था आया मम्मी और फिर नॉक किया मैंने, बेचारा ऑफलाइन सा खड़ा हुआ था। अब इनका एक ही बंदा बचा है गाइस और वो जो है ना बड़ा स्कैम करने वाला है। देखो उसने स्मोक किया अपने टीममेट को बचाने के लिए बट बचा नहीं पाएगा गाइस। अब जो इनका एक बंदा है वो हमें काफ़ी तंग करने वाला है, मैंने नेट की बरसात कर दी। उसने भी क्या किया सीढ़ियों पर ना इतने ज़्यादा नेट कर दिया, उसके पास 4-5 जितने थे ना उसने सबके सब नेट देखो गाइस नीचे फेंक दिए और हमारे पिछवाड़े में ना ऐसे बम 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 ऐसे फटे जा रहे थे बम। ये देखो गाइस कितने ज़्यादा नेट थे, मैं घुस गया ऊपर बस और फिर मैंने फैसला किया कि भाई एक नेट फेंकता हूँ यहाँ सीढ़ियों पर, शायद वो यहाँ टीपी भी ले रहा है। बट वो गाइस ग्लिच करके वो ना वहाँ पर बैठ गया था, लाइक ये लेफ्ट पे जो वॉल है ना उसके ऊपर जाके बैठ गया था। जैसे मुझे आइडिया हुआ वो नीचे जंप कर जाता है और नीचे जंप करके वो भागता है पीछे गैराज की तरफ और फिर मैं रश करता हूँ उस पर जो भी भैया हमारे साथ आते हैं। तो बाबा जी यहाँ पे हमने कंफ्यूज किया बेचारा, इतना कंफ्यूज हो गया था एक भी गोली नहीं मार पाया, प्रोन हो गया था मैं। और इसके बाद हम लोग वापस से भागेंगे स्क्वाड में ऊपर बाबा जी। तो ये प्रोन वाली ट्रिक गाइस बहुत कम करती है, आप भी अगर 3 फिंगर 2 फिंगर खेलते हो ना तो ये प्रोन हो जाए करो, अचानक से बहुत काम आती है ट्रिक। तो गाइस यहाँ से शॉट्स आ रहे थे और मैं स्पॉट करने का ट्राई करता, फिर मुझे नजर आता है ऊपर बंदा पहाड़ पे अपना पिछवाड़ा सेंक रहा है धूप में, कान के नीचे लगाया इनका पिछवाड़ा, मैंने डिंगा कर दिया कि आप धूप नहीं लगाओ पिछवाड़े पे। और फिर भाई हमारे पीछे रिवाइव होने चले गए। उतनी देर में गाइस यहाँ पे अलग स्क्वाड आ जाता है सामने नॉर्थ ईस्ट, लेवल 3 हेड लगा गाइस इसको और इसके टीममेट को भी लेवल 3 हेड लगा, ऑम होती ना दोनों नॉक थे ये, बट हमें ऑम हमारी पहली मोहब्बत मिली नहीं थी तो हमने M24 से किए दोनों को नॉक। और फिर हम मार लेंगे एड्रेलिन अपने पिछवाड़े में लगाएंगे टीका, काली अपने नीले कच्चे के साथ लगा रहा है टीका ताकि बम में थोड़ी सी बम में दम आ जाए, फिर हम अच्छा सा हेडशॉट मारेंगे। यस लॉल क्या क्या बोली जा रहा हूँ मैं भाई, फिर 2 शॉट्स दिए गए दोनों मिस हुए, अब बंदे पत्थर के पीछे जा चुके थे। अब इनका एक बंदा क्या कर रहा है लाइक क्रॉस कर रहा था, मैं ऐसे रैंडम स्प्रे मारा इसको, जूबी भी मार रहा था और इसको ये राइट से लेफ्ट से ना सॉरी रिज वाले भी मार रहे थे तो काफ़ी हेल्थ इसकी लो थी, मेरी 1-2 गोलियां इसको लगी और ये नॉक हुआ और यहाँ पे हमें इसका किल मिला। अब इसके बाकी बंदे अभी भी वहीं पे थे, अब मेरी M24 में भी गोलियां कम रह गई थी। ये गैस ये रिज वाले बंदे जो काफ़ी लैग होकर ऊपर जा रहे थे इनको मैंने स्प्रे दिया, इनको थोड़ा बहुत डैमेज तो पड़ा मेरा बट कोई नॉक नहीं हुआ, तो ये लोग पीछे चले गए एकदम। और यहाँ पे ना एक बंदा पहले से एक नहीं शायद 2 बंदे गए वो पत्थर पे ना 165 ये वाले बंदे, अब मैं इसको डैमेज दिया बट जुबी का DP थी तो उसको उसका नॉक मिला और ये सेफ आ जाएगा। अब ये 2 बंदे ये थे और वो पीछे जो थे रिज वाले जो ऊपर रिज पे थे ना नॉर्थ वेस्ट वो रिज पे जा चुके थे ऊपर गाड़ी लेके। अब ये एक ही बंदा बचा है इनका, इसको बॉडी शॉट मारा गाइस, अब ये पेड़ के पीछे आकर रुक जाएगा और दोबारा से हमारे साथ वही स्कैम होने वाला लेवल 3 वाला देखना। अब मैं दोबारा से इसको हेडशॉट मारा वही लेवल 3 की वजह से ये बंदा बच गया
और फिर मैं वेट करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन गैस जोन हम पे जा चुका होता है इस बंदे को मारने का, थोड़ा सा वेट करते हैं। मारा ये तो पेट पे लग गया, लेकिन वहाँ जोन नहीं था तो जुबी ने बोला भाई आ जाओ गाड़ी में, हम उसको ना थोड़ा जोन में जाके मारेंगे। और फिर उसके पास क्योंकि जोन नहीं था तो हम लोग निकल गए। पेन के लिए मैंने मार लिए थे, छोटा सा रिश्ता सामने पत्थर जो है ये लेफ्ट पे, हमने फैसला किया यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे अपनी। और फिर हमने यहाँ पे गाड़ी रोक दी और मुझे गैस इसी का किल चाहिए था गिली सूट वाले का, क्योंकि इसको भाई दो बार हेड मारा मैंने, दोनों बार बच गया ये। फिर मैं थोड़ा सा हाइट पे जाके देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है, वाह बाबा जी कैसे अपना पिछवाड़ा टेढ़ा करके जोन में आया जा रहा है। और फिर सामने होते हैं गैस बंदे, सुबी बोलता भाई गाड़ी में, मैंने कहा नहीं ब्रो गाड़ी में जाएंगे ना काम ख़राब हो जाएगा, हमें नहीं पता बंदे कहाँ कहाँ हैं। तो फिर मैं ऐसे ही रैंडम नेट फेंकता हूँ गैस पत्थर वाली साइड पर, दो एक बंदा राइट में स्नेक बना होता है और मेरे ये दो टीममेट्स उसको मारेंगे। अब इन्होंने डायरेक्ट किल किया तो एक ही बंदा बच जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सांप था ना उसने पत्थर वाले को मार रहा था, और फिर एक ही बंदा बचता तो हम तीनों करते हैं आगे रश। थोड़ा सा आइडिया था गोली कहाँ से चली, तो गोली लाइक लग रहा था सामने वाले पेड़ के पास से चली है, फिर भी स्पॉट नहीं था, करीब आके नज़र आता है। और बाबा जी इसने मेरी काफ़ी हेल्थ खा ली थी, और फिर हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस उसके बाद हम आ जाते हैं टीडीएम में ना, हमारे साथ आके होते हैं साइलेंट भैया हमारे, जिनका हमने पुराना नाम रखा था साइलेंट कोती, बट मैं अब नहीं बोलता ऐसे, मेरा दिल नहीं करता, लेकिन नाम फेमस हो गया था। और हमारे जूबी भैया, जूबी गांजा गांजा। तो हम लोगों ने क्या फैसला किया, तीनों बैठे थे तो हमने कहा भाई तीनों M24 यूज़ करते हैं, टीडीएम था ये, और सामने वाले गन से मारेंगे हम लोग, M24 यूज़ करेंगे और देखेंगे भाई तीनों में से किल किसे ज़्यादा होते हैं। तो हम ले के आ गए, काली अपने नीले कच्चे के साथ आया, और काली ने एक बंदा मारा और दोबारा भाई एक एम से भाई ने हमारे पिछवाड़े में गोली मार दी और काली का क्रेड बना दिया। काली फिर दोबारा जा रहा है M24 लेके अपने नीले कच्चे में, फिर काली ने मारा, पता नहीं अजीब सा नाम लिखा भाई ने, तो फिर काली गया सजी साइड पे, फिर काली गया खबी साइड पे, फिर काली ने दो में से पता नहीं बस किसी को भी मार दिया। और फिर काली ने एक और बंदे मारने की कोशिश की, बट आई गेस फेल हो गए थे हम। और फिर कालिया बंदे ढूंढ रहा था, कालिया अपना पिछवाड़ा ज़मीन पे घिस रहा था। ओ भाई फॉक्स भैया दोबारा मरे हमारे हाथों, और अब हम इनके हाथों मरे, इनसे बदला लेना है, रयान रयान भैया से बदला लेना। हमारे 4 किल हो चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जूबी गांजा के और साइलेंट भैया के हमारे किल थोड़े कम ही होंगे। फॉक्स भैया दोबारा मरे हमारे हाथों, और फिर बाबा जी ये लेटे लेटे आ रहे थे इनके पिछवाड़े पर, जो ये वही बदला ले लिया हमने है, पिछवाड़ा ज़मीन पे घिस रहे थे ये। फिर जब इन्होंने खड़ा होकर देखा इनका पिछवाड़ा फट गया था, छेद हो गया था कच्चे में, लॉल 30 किल गए हमारे हो चुके थे, मेरे 8 किल थे यहाँ पे। और ये हमारे जो नंबर 4 थे रैंडम थे, ये AR से मार रहे थे, लाइक क्रूजर से आई गेस ये मार रहे थे। फिर मैं यहाँ पर मैंने दोबारा से फॉक्स भैया को मारा, 9 किल हो चुके थे मेरे, उम्मीद करता हूँ कि भाई हम जीत जाएंगे अपने बाकी टीममेट से। फिर दोबारा हमने मारा गैस, प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये सामने वाली टीम ना ये वो यूज़ कर रहे थे लाइक AR ग्रोजा M4 वगैरह। ओ भाई बच गया, हेल्थ कम है, ये देखो गैस हाँ हाँ फॉक्स भैया। ओ लॉल वो बंदा ऐसे रैंडम स्प्रे दे रहा था, और मैं जम करके उसकी गोली के आगे आगे कि भाई लो मार लो मुझे। और फिर अब 2 बंदे और मारने थे, एक बंदा और मारना था, और फौरन से मैंने अरमान भैया किल लिया, हमारे 12 किल हो गए। और इन तीनों में जब हम तीनों में जो चैलेंज हुआ था वो मैं जीता, वैसे तो मेरे और जूबी भैया के बराबर किल थे, बट आई गेस मेरा KD ज़्यादा था तो मैं MVP आया, तो भाई मैं जीत गया, कॉम्बो भी मेरा ज़्यादा था। तो भैया ये 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 चैलेंज हम जीतते हुए गाइज। और बस थोड़ी सी बातें करनी थी आपसे कि डेली गेम प्ले अपलोड कराना काफ़ी मुश्किल होता है, तो समटाइम जब मैं नहीं अपलोड कर पाता तो बस माफ़ कर दिया करो। और आज भी वीक क्या टाइम हो रहा है, तकरीबन 4 बज रहे हैं दिन सुबह सुबह के, अभी थोड़ी देर में फजर की अजान शुरू हो जाएंगी, और मैं एडिट कर रहा हूँ, उसके बाद फ़ौरन से इसको लाइक सेव करना और फिर अपलोड पे लगा देना, और दिन में ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो कभी नहीं आती तो बस ऐसे बस दिल से सॉरी उसके लिए, बाकी ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहा करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो। लाइक गाइस आप लोग का प्यार सपोर्ट देख के ना इतनी खुशी होती है ना, हम लोग जैसे जितना लाइक सेम रखते हैं उतना हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारी वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में होती है। तो बस आप लोग का जितना प्यार है ना, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ ना वो कम है। और जिन लोगों के साथ मैं नहीं खेल पाता ना वो भी सॉरी, लाइक समटाइम मैं रैंडम खेल होता हूँ मैचिंग में, और फिर जो लॉबी में मुझे रिक्वेस्ट आती है ना मैं बस भाई लोग को बोल दूँगी या आप टिकटॉक अपनी रिकॉर्ड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो इंशाल्लाह कुछ ऐसा करेंगे कि हम रूम बनाया करेंगे और साथ में खेला करेंगे। तो गाइस बाकी
लव है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और कोशिश करना नमाज कायम करो। इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। हाँ, बॉट को कम मारना।